सो भी गाइस मैं रेडी तो हो चुका हूँ और साथ में मैंने इधर दूध ले लिया है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी आज हम जाने वाले हैं शादी में, तो इसीलिए अभी मैंने लीव लिख दी है स्कूल में देने के लिए। तो अभी मैं इसको अपने फ्रेंड को देकर आता हूँ पहले, तो ताकि वो स्कूल में दे देना। और मैंने तो दे दी अपनी, इसने तो दे भी दी भाविका ने। सो भी गाइस हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है। यहाँ पर ये सब्जी हमारी मिक्स सब्जी है, इसके अंदर शायद पनीर भी है जो छुप रखा है, और रोटी भी है साथ में, तीन रोटियाँ ले ली है। मस्त सब्जी लगती है मेरे को, तो मेरी फेवरेट सब्जी है मिक्स सब्जी। तो अब इसको खाते हैं और रेडी होते हैं। सो भी गाइस मैं रेडी तो हो चुका हूँ और साथ में मैंने इधर दूध ले लिया है, क्योंकि ये दूध ना बच गया था तो मैंने सोचा वेस्ट जाएगा तो इसको पी लेते हैं। और बॉर्नविटा भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है, क्योंकि कल रात को भी मैंने दूध तो पिया नहीं था, तो इसलिए अभी पी रहा हूँ। और अभी हम दिन के लिए खाना रेडी हो रहा है। हमने अभी अपना ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है, अभी दिन के लिए खाना रेडी हो रहा है ट्रेन के लिए। तो अब ट्रेन में हम खाना थोड़ी बनाएंगे ना, इसीलिए अभी खाना रेडी हो रहा है। रोटी रोटी तो बन चुकी है, बस सब्जी बन रही है दिन के लिए। और बहुत लंबा सफ़र है। हाँ, और अभी हम जाएंगे चीज़ लेने के लिए कुछ खाने। हाँ, साथ में कुछ मतलब ट्रेन में भूख लग गई तो कुछ लेंगे ना। सो भी गाइस हम यहाँ पे अपना खाने का सामान ले आए हैं, एकदम मस्त हमने सजा के रख दिया है। सो भी गाइस हम सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है और अभी बस हम ऑटो बाहर आ चुका है। हम अभी क्या कहते हैं ऑटो में जाएंगे रेलवे स्टेशन, फिर रेलवे स्टेशन से हम ट्रेन लेंगे वहाँ के लिए। और यहाँ पर इतने सारे बैग्स हैं, ये सारे में हमारे सामान है, तो अभी इन सबको लेकर हमको जाना रेलवे स्टेशन, ऑटो में जाएंगे। गाइस हम एक घंटे से वेट कर रहे हैं ट्रेन का, तो अभी पता चला कि 10 मिनट में ट्रेन आने वाली है। और साथ में उसके अंदर जो है हमारे मामा और नानी जी बैठ चुके हैं, और बस अभी थोड़ा सा पीछे जा रहा है कि वहाँ पर ही जो है हमारे नाना और नाना कह रहा हूँ नानी और मामा का, वहीं पे जो ट्रेन का वो डिब्बा है वहीं पे रुकेगा। तो सो भी गाइस हम पीछे की साइड को तो आ चुके हैं, बस अभी ट्रेन का वेट हो रहा है। और ट्रेन भी आज हम बड़े दिनों बाद ही देख रहे हैं, क्योंकि जो है हम इधर उधर जाते हैं ना तो सिर्फ पापा की गाड़ी में ही चले जाते हैं, लेकिन अब की बार जो ये रास्ता है ये बहुत दूर का रास्ता है, तो इसीलिए हम ट्रेन से ही जा रहे हैं। और पापा की गाड़ी जो है बहुत पुरानी हो चुकी है ना, तो इसीलिए अब क्या कहते हैं उससे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कहीं भी मतलब एकदम रुक जाएगी, स्टार्ट ही नहीं होगी फिर एकदम, वो तो ऐसे रिस्क भी हो सकता है ना, तो इसीलिए हम ट्रेन में ही जा रहे हैं। अभी हमारे साथ तो ना हमारी नानी आ चुकी है, नानी से बड़े दिनों के बाद मिलते हैं। और जिस सीट पर भी मैं बैठा हूँ वो तो है मामा की सीट, मामा भी गए हैं मेरी सीट पर, मैं नानी से मिलने के लिए आके आया था। नानी का सीट अगले डब्बे में है ना, तो इसलिए, और हमारी सीट जो पिछले डब्बे में है तो हम वहीं पर रहेंगे। और अभी मैं थोड़ी देर बाद तो अपनी जगह पर चल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा सामान रखा हुआ है, तो अपने सामान को मैंने खुद ही संभालना है, जिसकी बैग की मेरे को ड्यूटी मिली हुई है। हमको जहाँ पर रुकना है वो जगह तो आ चुकी है, हमको सब्जी मंडी रुकना है, नहीं कैसा नाम है ये भी, हमको वहाँ पर रुकना है। और अभी ट्रेन स्टॉप होगी बस, और मैंने अपना बैग तो उठा लिया, बस अब सारे खड़े हो चुके हैं और चलते हैं हम सीधा जो हमारा नया वाला स्टेशन आने वाला है सब्जी मंडी। सो भी गाइस हमने फर्स्ट स्टेशन में तो ब्रेक ले लिया था, और अभी हमने दूसरी ट्रेन पिकअप कर लिया, और फटाफट से अब हम अगले स्टेशन पर रुकेंगे, पता नहीं शायद दिल्ली का स्टेशन है वो, तो वहीं पर जाकर रुकेंगे हम। और बस अब स्टेशन का वेट होने जा रहा है, अगला स्टेशन है वो भी, तो बस उसके थोड़ी देर रुक जाते हैं। वहीं पर स्टेशन पे तो रुक चुके हैं, और साथ में अभी हम कर रहे हैं इधर लंच, क्योंकि जो है हमारा खाना है ना, खाना कह रहा हूँ ट्रेन है वो बड़ी देर बाद आने वाली है, 4 बजे आएगी, और अभी 2:15 बज रहे हैं, टाइम तो 2:15 हो रहा अभी, तो अभी देखते हैं हम खाने खाएंगे और फिर उसके बाद हमको इतना टाइम वेट भी करना पड़ेगा ट्रेन के लिए, तो करते हैं वेट। और पहले तो खाना, रोटी के अंदर तो आलू मेथी कह रहा हूँ, हाँ आलू मेथी भी लाए हैं हम साथ में इधर, और क्या कहते हैं रोल करते हैं, खा जाएंगे बस अब। और साथ में हमको हमारे साथ मिक्स सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी भी है, लोहा वगैरह तो ले भी नहीं, और रोल करके खाए जा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी भी खाया जाए ना, और प्लेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर हमको, तो अभी खाते हैं और फिर वेट करते हैं बस ट्रेन का। मस्त टेस्टी हो रहा है। सो भी गाइस हमने जो है गाजर पाक भी खाया, नानी ने हमारे लिए बनाया था, मस्त एकदम गाजर पाक हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सबने खाया, ज़्यादा भी नहीं था, तो सबको हमने थोड़ा थोड़ा दिया, और बहुत टेस्टी हो रहा था वो, एकदम मस्त हो रहा था, हम सब ने खाया, बड़ा टेस्टी हो रहा था, मज़ा ही आ गया खाकर, तो नानी के हाथ का तो वैसे ही बढ़िया। ट्रेन में
तो बैठ चुके हैं और अभी ये जो ट्रेन है आधे पौने घंटे बाद ही जाएगी। फिर हमारे आधे पौने घंटे के बाद चलेगी, उसके बाद हमारे जो है 5 घंटे हमें बैठना पड़ेगा और फिर हम पहुंचेंगे वहां पर। अभी गाइस हम ट्रेन में ही मस्ती करे जा रहे हैं, तो यहां पर देखो रुद्र डी बन रखा है और मामा उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, मस्त बन रखा है एकदम से। दर्द हो रहा है क्या? ये देखो ये भाभी का ने सत्ता नाश कर दिया। ट्रेन में तो मस्ती कर ही रहे थे तो रुद्र के पहले हम मारेंगे, तो रुद्र बताएगा कि किसने मारा है। चलो खेलते हैं इस गेम को। अभी इस ट्रेन ने पहला ब्रेक लिया है मुरादाबाद में और अभी यहाँ से हमने थोड़ा सा पानी भी लिया और चीज भी ले लिया। ठीक है, ये नट्स हैं, एकदम मस्त, एकदम करकरे और मसालेदार होते हैं, मजा आएगा। और शेयर करके खाएंगे अभी हम, क्योंकि हम अकेले खा लेंगे तो सारों को नहीं मिल पाएगा ना, है ना। अभी खाते हैं इसको और बाद में अभी चलते हैं। अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, क्या टाइम हो चुका है वैसे भाभी का? ये मेरे को बार बार टच करनी पड़ेगा, ऐसे कर दिया। वाह, 7 बज गए हैं, मस्त तरीका ये, आज हमने यही ढूंढ लिया मस्त एकदम तरीका घड़ी में से एक करने का। 7 बज गए, मैं हमारी ट्रेन ने सेकंड ब्रेक ले लिया, काशीपुर में रुकी है और यहाँ पर हमारे पापा जी के मामा भी रहते हैं, तो हम कभी भी गांव जाते हैं ना तो उनके घर पे चले जाते हैं वैसे तो, लेकिन अभी थोड़ी ना जाएंगे, अभी तो हम वैसे ही लेट हो रहे हैं। अभी हम फाइनली स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, बड़े आराम से पहुँच गए दादा, मतलब टाइम तो लग ही चुका है, सिर्फ 9:05 थे तब तक हम पहुँच गए और अभी हम स्टेशन से तो बाहर आ चुके हैं, बस अभी ऑटो देख रहे हैं कोई ताकि हम मामा के घर फटाफट से पहुँच जाए। और ठंड भी बहुत हो गई अब तो, थोड़ा सा जैकेट वगैरह पहन लेंगे। सब बहुत ही तेज हवाएं चल रही है, एकदम गले में जा रही है शुक करके। गाइस जैसे कि आपने इस व्लॉग में देखा कि हम आज सुबह से शाम तक ऐसे ही बस ट्रेन में बैठे रहे और पूरी मस्ती भी करी हमने ट्रेन में, और अब तो बाहर हो गई है बहुत ठंड, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में आ चुके तो बहुत ठंडी रहती है, और हम पूरा अच्छे से कंबल में तो घुस चुके हैं और मैंने एडिटिंग तो करी ली है, हम फ़ोन में ही कर रहे हैं आजकल तो एडिटिंग, क्योंकि अगर हम लैपटॉप इधर ले आते तो कहीं वो रास्ते में टूट जाता तो बस एक दूसरे का मुँह ही देखते रह जाते हम। और तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।